फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल ड्राइव के माध्यम से फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र किया जाए और वह भी स्मार्टफोन के माध्यम से। इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरा ओरिजिनल वीडियो देखना पड़ेगा जहां पर हमने गूगल ड्राइव को कंप्यूटर के माध्यम से यूज़ किया था। तो चलिए हम चलते हैं गूगल ड्राइव से फ़ोटो ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है वो देखने के लिए। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है और किसी एक फ़ोटो को हम सेलेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलकर एक कोई फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा टॉपर स्टूडेंट है, इसको हमने लिया और इसको हम क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप करें, वरना आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में तीन डॉट्स हैं, इस पर मैंने क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं मार्कअप टूल्स, और मार्कअप टूल्स को यूज़ करके मैं इस पर नाम लिख सकती हूँ। ये टी है, यहाँ पर टी पे मैंने प्रेस किया तो मेरे फ़ोटो के बीचों बीच टेक्स्ट आ गया है। इसको बीच से हटाकर मैं नीचे या ऊपर ऐसी जगह लूँ जहाँ पर फेसेस कवर ना हो, और यहाँ तक कि मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ग्रीन के बजाय ये ले लेती हूँ, और यहाँ टेक्स्ट पर मैंने प्रेस किया है, डबल क्लिक किया है, और यहाँ पर मैं स्कूल का नाम लिख दूँ और ये तो हो गया स्कूल का नाम। इसके आगे मैं आपको और भी कुछ लिख करके बता सकती हूँ। ये मैंने कलर ब्लैक कर दिया जो स्पष्ट दिख रहा है। आर टॉपर बीइंग अवार्डेड, स्कूल टॉपर बीइंग अवार्डेड, ये भी लिखा जा सकता है। और तो और हम इस टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसे कर लें। तो इस तरह से हम तो नाम लिखने का ऑप्शन देख रहे हैं, और ये कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में यहाँ पर आप जो ऊपर डन देख रहे हो इस पर क्लिक करें, डन, ये हमारा फ़ोटो पूरी तरह से नाम के साथ तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने ड्राइव पर। हम यहाँ से ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, ये है हमारा ड्राइव, और ये आइकन आपके फ़ोन पर तभी मिलेगा जब आपने गूगल ड्राइव के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हो। ये मैंने ड्राइव ओपन किया है और ये मेरा ड्राइव है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में तीन बार्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इसको क्लिक करूँ और इसमें वही स्टाइल जो हमने कंप्यूटर पे देखा था, शेयर्ड विथ मी, और उसमें जाकर नोडल एम्बेडा, और उसके अंदर मेरे स्कूल का जो फोल्डर मैंने कल बनाया था। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इससे पहले आपको मेन वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जो प्लस का बटन देख रहे हैं इस पर टैप करें, और आपको अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है? एक फ़ोटो। तो ये फ़ोटो कहाँ पर है? आपके कैमरा के अंदर ऑलरेडी है। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में जाएं और ये कैमरा रोल में जाएं, और उसमें से थोड़ा सा आगे पीछे ढूंढ करके उस फ़ोटो को सेलेक्ट करें जिसको अभी हमने तैयार किया था। ये है वह फ़ोटो जिसको हमने अभी स्कूल का नाम लिख करके रेडी किया था, और इसके बाद हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ी ही देर में अपलोड हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया अपलोड। अब आप इस फ़ोटो को यहाँ देख सकते हैं। इस फ़ोटो को हम रीनेम करें तो बेटर रहेगा, वरना कोई समझ नहीं पाएगा कि ये किस संदर्भ का फ़ोटो है। यहाँ पर टॉपर एट GHSS मर्जीवी बीइंग ऑनर्ड बाई DEO। चलिए मैंने लिख दिया। तो इस तरह से गूगल ड्राइव में फ़ोटोज़ शेयर किए जाते हैं। एक बार देखे हैं कि ये है कहाँ, ये
गूगल ड्राइव है, ये मेरा ड्राइव है, उसमें शेयर्ड विद मी और उसमें से नोडल एम्बाहेडा और उसमें से मर्जीवी और ये फ़ोटो यहाँ पर है। थैंक यू। ये है फ़ोटो शेयरिंग थ्रू गूगल ड्राइव यूजिंग स्मार्टफोन।